सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली पर दिए गए फैसले के बाद क्या दिल्ली की प्रशासनिक जो ढांचा है उसमें फेरबदल होगा या मजबूत हुई है दिल्ली सरकार पहले के मुकाबले? बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल सर हैं। बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। हाँ शुक्रिया, थैंक यू, बताइए। अंतिम ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कल, इसके बाद दिल्ली सरकार को क्या कुछ हासिल हुआ? देखिए, ऐसा कहा कि इसमें कई फैसले आ चुके हैं। पहले दिल्ली हाई कोर्ट का था, उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की स्प्लिट डिसीजन आई थी। इन सब में इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी कि सारी पावर्स जो ट्रांसफर वन पोस्टिंग की थी, ट्रांसफर की जो थी, वो फाइलें मिनिस्टरों के पास नहीं जाती थी। उसके पहले जब ये कंफ्यूजन नहीं थी, जाती थी, ठीक है, फाइलें जो बाकी सीनियर अफसर था वो एलजी तक जाती थी, बाकी जूनियर ऑफिसर्स की या चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर तक खत्म हो जाती थी। तो अब ये कंफ्यूजन खत्म हो गई है, अब सारी पावर्स उन्होंने कैबिनेट को दे दी है, यानी मिनिस्टरों को दे दी है। तो आगे चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट डिसाइड करेगी कि कौन कौन उन पावर्स को एक्सरसाइज करेगा, कौन से केसेस मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, कौन से चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे और कौन से लोअर लेवल पे अगर वो चाहते हैं तो लोअर लेवल पे डिसाइड किया। तो ट्रांसफर पोस्टिंग की तो पूरी पावर आ गई। सर, जो केजरीवाल सरकार ने कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद एक सचिव का ट्रांसफर कर दिया था, जिसको कह रहे हैं कि केंद्र उनका ट्रांसफर नहीं कर रहा है, इसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है केजरीवाल सरकार, तो क्या तकरार खत्म नहीं हो रही या क्या मायने निकाले गए हैं इसके? इसके मायने ये निकालेंगे कि तकरार खत्म नहीं होगी, ये आगे भी चलती रहेगी और भी बहुत इश्यूज हैं। कंट्रोल का इश्यू सिर्फ ट्रांसफर एनफोर्समेंट का नहीं है, ट्रांसफर तो गवर्नमेंट ने पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह ने डिसाइड किया हुआ है कि इसको एज ए पनिशमेंट भी ट्रीट किया जा सकता। ट्रांसफर एंड पोस्टिंग रूटीन होती है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे करते हैं कि भाई ये अफसर इसके लिए सूटेबल है, वो अफसर उसके लिए सूटेबल है। अब ये डिसीजन आपकी कोर्ट लेगी, ये मिनिस्टर गवर्नमेंट देगी। मगर दूसरी और बहुत ज्यादा है कंट्रोल की चीजें, कि मान लीजिए आपके ऑर्डर नहीं ओबे कर रहे, आप डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आप अगर किसी को सस्पेंड करना चाहते हैं अफसर को, क्या आप कर सकते हैं? तो कल की डिसीजन तो पूरी पड़ी नहीं है मैंने, मगर जहां तक जितना भी पोर्शन पड़ा है उसमें इस इश्यू को कुछ भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें याद रखना पड़ेगा कि जितने भी अफसर हैं यूनियन के या किसी भी यूनियन टेरिटरी के, सब यूपीएससी की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट होते हैं और यूपीएससी की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को जाती है या जिसको डेलीगेट किए या प्रेसिडेंट ने पावर उनको जाती है। जब अपॉइंटमेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट है या उसके डेलीगेट ही है तो रिमूवल अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी वही होगा, उससे लोअर अथॉरिटी नहीं हो सकती। और उसमें ये कोई भी पावर मिनिस्टरों के पास नहीं होगी, क्योंकि अगर वो दी नहीं जाती तो वो एलजी और होम मिनिस्टर के ऊपर होगा कि मिनिस्टर को पावर देनी है कि नहीं देनी। जब तक वो नहीं आता तो बेसिक चीज चेंज नहीं होगी। चीजें कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए एक अफसर की ट्रांसफर की गई, वो नहीं जाता, सब क्या कर लेंगे, उसके ताला लगाएंगे क्या कमरे में जाके? तो ग्रॉसली इनलीगल चीज होगी। तो अगर नहीं जाता तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेगा? फिर आप एलजी के पास जाएंगे, एलजी नहीं लेता। तो पॉइंट इज की तकरार खत्म नहीं हुआ, मेरे मुताबिक तकरार और ज्यादा बढ़ गया और जिस तरह ये केस है सुप्रीम कोर्ट में पहले भी नहीं चला गया। तो अब डर ये है कि अफसर नहीं ले जाएंगे, जिन अफसरों की ट्रांसफर होगी वो कहेंगे जी मुझे पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये पनिशमेंट नहीं हो सकती, इसमें कोई ओरिजिनल डिसीजन है कोर्ट्स की कि ट्रांसफर पनिशमेंट नहीं होती, पनिशमेंट को डिसिप्लिनरी एंड रूल में लिखी हुई है। जब ये पनिशमेंट नहीं है, आपने इसको पनिशमेंट ट्रीट किया, आप कहते हैं ये अफसर बेकार है, निकम्मा है, इसलिए हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसकी पनिशमेंट की जा रही है। तो आपके लिए तो अफसर भी जाएंगे कोर्ट्स में, जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट सिर्फ दिल्ली एक्ट को नहीं देखेंगे ना, ये तो नहीं देखेंगे कि एलजी का चीफ मिनिस्टर की क्या पावर है, वो तो ये देखेंगे कि अफसर की या किसी भी इंडिविजुअल की क्या राइट्स हैं, उनके क्या वो है, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट आ जाएगा। तो एक ही तरीका है जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट की पावर भी बढ़ जाएगी, दिल्ली गवर्नमेंट की प्रेस्टीज भी बढ़ जाएगी, मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ,
अगर तकरार खत्म किया जाए, एनजी के साथ मिल के काम किया जाए, होम मिनिस्ट्री के साथ मिल के काम किया जाए, क्योंकि आप ये नहीं भूल सकते हैं कि ये फुल स्टेट नहीं है, होम मिनिस्ट्री आपकी प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट है। अब ठीक है, थोड़ी बहुत पावर आपको दी गई है, असेंबली को दी गई है, स्टेट में लिस्ट में दी गई है, मगर उस पावर को आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए स्कूल बनाने के लिए आपको लैंड चाहिए, तो जमीन तो आपकी डीडीए के पास है, लैंड तो सेंट्रल सब्जेक्ट है, वो दिन देंगे आपको, तो इस टाइप का तकरार भरेगा ना, तो फिर कोर्ट में जाएंगे मामले, हमें लैंड नहीं दे रहे, हमें ये नहीं दे रहे, हमें वो नहीं दे रहे। तो पॉइंट इज कि पहले जिसका चल रहा था, 6-7 साल पहले जो चल रहा था, वैसे तो कोई तकरार नहीं था, चलता था, ठीक चलता था। अगर वैसे ही चलता रहे, अब बार्गेनिंग पावर, अब ये होगा कि अब क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, हमारे पास है ट्रांसफर की पावर, अब हमारे साथ इंटरफेयर मत करिए, हम आपसे ये बात केस है, अब हमें बता दीजिए बिना तकरार के, इस केस में आपको भी करना चाहिए। पर मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ, दिल्ली सरकार को किसी भी आईएएस अफसर को दिल्ली से हटाकर क्या बाहर भेज सकती है, या दानिक्स और उससे निचले लेवल के जो ऑफिसर हैं, या उनके ही दिल्ली सरकार का पावर होगा कि उन्हें हटाना या बाहर भेजना जिस तरीके से दानिश अफसरों का होता है, या आईएएस अफसर को भी हटाकर दिल्ली से बाहर भेज सकती है? नहीं भेज सकती, दिल्ली से बाहर इनकी कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है, दिल्ली से बाहर सिर्फ होम मिनिस्ट्री भेज सकती है, दानिश को भी आईएएस को भी, क्योंकि कॉमन कॉर्डर है, ये दूसरी स्टेटों के साथ कॉमन कॉर्डर है, कॉर्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी दिल्ली गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उन्होंने कमेटी जरूर बनाई हुई है जिसमें दिल्ली रिप्रेजेंटेड होगा, मगर वो उनके होम मिनिस्ट्री के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है, तो दिल्ली से बाहर तो नहीं भेज सकते ये, तो दिल्ली के अंदर एक्साइज कमिश्नर को सेल्स टैक्स कमिश्नर लगा सकते हैं, सेल्स टैक्स कमिश्नर को फाइनेंस सेक्रेटरी लगा सकते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है तो सर्विसेज में लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं, हायर लेवल पे भी कर सकते हैं और लोअर लेवल पे भी कर सकते हैं। जैसे एक एसडीएम को हटा के एक जगह से दूसरी जगह भेजना, डीसी को आपने ट्रांसफर करना है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, मगर ये केयरफुल रहना पड़ेगा कि एज अ पनिशमेंट मत करिए उसको, अगर पनिशमेंट करेंगे तो वो जाएंगे कोर्ट्स में, तकरार बढ़ेगा, अफसर ही लड़ाई करेगा, अफसर आजकल वो नहीं रहे नीचे घर के पढ़े रहेंगे दूसरे रहेंगे, नहीं वो भी कोर्ट में जाएंगे, कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज का, तकरार खत्म करना चाहिए और ये एलजी को भी करना चाहिए और सीएम को भी करना चाहिए, जिन्हें सीएम कल उनको मिलने गए थे वो अच्छी स्पिरिट थी, उसी स्पिरिट में इनको कंटिन्यू करना चाहिए, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अफसर दिल्ली को स्टेट क्यों नहीं बनाया गया, मैं तो चीफ सेक्रेटरी का मीटिंग हुई थी, जितने एमपी दिल्ली से बाहर के थे, चाहे राज्यसभा के एमपी थे या लोकसभा के एमपी थे, सब ने अपोज किया था, मैं कहती हम सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्टेड है, लोकसभा में इलेक्टेड है, राज्यसभा में इलेक्टेड है, हम किसी स्टेट गवर्नमेंट के मातहत नहीं बन सकते, हमारा घर, हमारा राइट्स, हमारा मूवमेंट का राइट, हमारा लोकसभा जाने का राइट, तो स्टेट गवर्नमेंट को हम नहीं दे सकते उसको, वो सेंट्रल के पास रखना पड़ेगा, इसलिए ये पूरी स्टेट बनी नहीं थी, ये पार्ट स्टेट बनी, तो उस पार्ट स्टेट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी, और ये बहुत जरूरी है, ये चीफ मिनिस्टर और इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी रियलाइज करना चाहिए, एलजी को भी करना चाहिए कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको डिलीवर करना, उन्होंने अपने जो प्रॉमिस किया है, मैनिफेस्टो है, वो देना है पब्लिक को, तो उनको इतनी पावर जरूर होनी चाहिए है कि वो ऐसा कर सके, अगर उनको जल बोर्ड का किसी अपॉइंट करना है और जल बोर्ड के किसी अफसर को वो छुट्टी पर मांगते हैं, तो उनको अपॉइंट करने की ये पावर है और वो रहनी चाहिए, तो वो दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो पावर दी है इनको, वो एक्सरसाइज करें। सर क्योंकि ज्यादातर देखा गया था कि जो फाइलें थी वो उपराज्यपाल को भेजी जाती थी, तो क्या ये जो फैसला आया, क्या उपराज्यपाल को फाइलें भेजी जाएंगी या नहीं भेजी जाएंगी, या उपराज्यपाल की मंजूरी पहले जरूरी होती थी? ये मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट की भी जुम्मन पूरी पड़नी पड़ेगी मेरा तो, क्योंकि अगर सर्विसेज सेक्रेटरी को आपको तकरार हुआ है इसका मतलब फाइल गई होगी एलजी के पास, अब ये समझ नहीं आ रहा कि काली का तकरार हुआ है और आज हल्ला मच गया, इतना इतनी जल्दी क्या थी, एलजी को भी तो टाइम चाहिए है ना, तो 24 घंटे आपके वेट तो नहीं करते रहेंगे ना दरवाजे पर खड़े होकर कि दिल्ली की फाइल है मैं साइन करके वापस दे दूँ, तो अगर जाएगी फाइल वहाँ, अगर आपने ट्रांसफर मान लीजिए किया 12 बजे, तो 3-4 बजे वहाँ फाइल पहुंची है, दफ्तर बंद हो गया, दूसरे दिन आ जाती है आपको फाइल वापस, तो अगर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में आप भागे जाएंगे
अब सुप्रीम कोर्ट बेंचेस सेट करती रहेगी तो फिर ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट के काम में भी दखलंदाजी हुई और आपका काम भी दखलंदाजी से चलेगा। और देखिए अल्टीमेटली तो सारी पावर होम मिनिस्ट्री के पास ही है और ये तो आप डिजाइन नहीं कर सकते, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी नहीं कहा कि सारी पावर आपके पास नहीं है, आप किसी भी डिसीजन को एजी रोक सकते हैं अगर वो समझते हैं कि इनकी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर डिसीजन रोकनी ही चाहिए, ये तो पॉइंट ये है कि हर डिसीजन नहीं रोकनी चाहिए। आप अगर सेक्रेटरी की सर्विसेज की ट्रांसफर कर रहे हैं या चीफ सेक्रेटरी की ट्रांसफर कर रहे हैं तो एल जी के पास ग्राउंड है उसको रोकने के, तो रोकेंगे, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी ड्यूटीज है, तो हर चीज उनके ऊपर फोर्स नहीं की जा सकती। अब मेरा अभी भी ख्याल है कि इस डिसीजन को ठीक परस्पेक्टिव में लिया जाना चाहिए, ज्यादा नाच गाना बंद करके इसको प्रॉपर डिसीजन दें, जिस स्पिरिट में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दी है उसी स्पिरिट में इसको फॉलो करना चाहिए कि हमारा काम सुचारू रूप से चले। वो सुचारू रूप से चलने के लिए आपको होम मिनिस्ट्री की मदद चाहिए, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद चाहिए, आप कैपिटल अथॉरिटी हैं, आप बॉम्बे कलकत्ता मद्रास की तरह नहीं है कि आप अपने किस तरीके से चलाना चाहती हैं चला दें, या फॉरेन एम्बेसीज हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की वो है, या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं दोनों हाउसेज के, क्योंकि आप दिल्ली से इलेक्टेड नहीं है तो सात दिल्ली के एमपी या तीन इनके राज्यसभा के एमपी थोड़ा डिसाइड करेंगे कि बाकी 800 एमपी के साथ क्या व्यवहार किया जाए। जी जी, ये सोच के करना चाहिए। ठीक है, एनडीएमसी एरिया इनसे बाहर है, वैसे कंट्रोल के बाहर है तो एमपी ज्यादातर वहीं रहते हैं, अगर फिर भी एक बहुत सारी चीजें हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, एनडीएमसी को भी ग्रांट मिलती है, पानी उनका जल बोर्ड चलाता है, उनकी उनकी दोषी से जाती अपनी ग्रेड से जाती है, तो तालमेल की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तालमेल के बगैर ये सिस्टम ठीक नहीं चल सकता। एक कोर्ट की डिसीजन पे आप चलेंगे, कंपेयर डिसीजन की चल जाएगी, कोर्ट की डिसीजन इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, स्पिरिट में डिसीजन दी है, उसी स्पिरिट में इसको लिया जाए और सब इस स्पिरिट में ले, फिर अब उसके वर्ड बाई वर्ड इसको करना कि अब हम बड़े पार्ट खोल रहे, अब हमारे पास पावर आ गई, हमने कोई भी मेरे ऑर्डर नहीं ओबे करेगा मैं उसको निकाल दूंगा। जी, तो जी, स्पिरिट ना हुई ना जी, तो आपके ऑर्डर क्यों ओबे करेगा, तो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर लीगल नहीं है, अगर लॉ के अगेंस्ट है, कल आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जज को जाके अरेस्ट कर दो, नहीं करता मैं, तो इसका थोड़ी मतलब है कि मैंने लॉ डिसोबे किया, मैंने नहीं किया, तो कुछ तो ऐसे करना पड़ेगा ना। और स्पीकर ऑफ द लोकसभा को समन कर लेते हैं, जब है दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज भी हैं, अगर आपके राइट्स हैं उनके भी राइट्स हैं तो आप उस करेक्ट स्पिरिट में लीजिए। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि एलजी भी उसी स्पिरिट में देंगे ताकि कैपिटल का काम सुचारू रूप से चले। और आपको याद रखना पड़ेगा कि बिना पुलिस, बिना डीडीए, बिना एनसीडी इसकी लाइजा के बगैर दिल्ली गवर्नमेंट ठीक नहीं चल सकती, तो आप बना के रखिए एल जी के साथ, सारी एल जी इंचार्ज बॉडीज के हेड हैं, तो ये रखना पड़ेगा इनके अच्छे। सर महत्वपूर्ण आपने बातें बताई, जानकारी दी। सर ये समझना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार को क्या क्या अब असर आपको लगता है दिल्ली सरकार पर इसका होगा जो फैसला आया, और क्या कुछ फायदा होता नजर आ रहा है आपको? मैं तो कह रहा हूँ कि फायदा पूरा नजर इनको नहीं आएगा, ये भी इनको याद रखना चाहिए, कहते हैं हमें सारे करप्ट ऑफिसर को निकाल देंगे, अरे भैया तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले करप्ट ऑफिसर, ये कोर्ट्स डिसाइड करेंगी, इसको पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, वो सेंट्रल बॉडी है, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनी हुई है वो बॉडी, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास सारे केसेस जाते हैं, जो आपके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने ही आपके चीफ सेक्रेटरी को विजिलेंस ऑफिसर बनाया हुआ सारे दिल्ली गवर्नमेंट का, उस विजिलेंस ऑफिसर से आप इलीगल डायरेक्शन नहीं उसको दे सकते, वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की डायरेक्शन मानेगा, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के उनके साथ ही सीबीआई वगैरह आते हैं, ये कोई इंडिपेंडेंट बॉडीज नहीं है, बल्कि सेंट्रल बॉडीज है। सीबीटी की कोई ज्यूरिस्डिक्शन यूपी में या राजस्थान में नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अफसरों पर है और पूरी है और इफेक्टिव है, ये ख्याल रखना पड़ेगा। तो आपको अगर ये समझते हैं कि अब आप यूपी के चीफ में योगी की तरह हो गए तो सही आप नहीं हुए, जितने भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आ गए आप तो योगी की तरह बराबर नहीं बना सकते हैं, खास पावर्स में उनके पास सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, आपके पास लिमिटेड पावर्स दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको उनकी लिमिटेड पावर में फंक्शन करना है। बट अगर आप जीरो पावर्स आपके हाथ में बने हुए थे, अगर आप कहते हैं हमने स्कूल इतने अच्छे बना दिए, हमने हेल्थ सेंटर में इतना बना दिया, जब आपके बंदे हाथ खोल दिए गए तो आप सिर्फ खुले हाथ से काम करिए ना, खुले हाथ से काम करिए और बाकी सिस्टम को भी इम्प्रूव करिए, सड़कें इम्प्रूव करिए, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करिए, बस सिस्टम इम्प्रूव करिए, बिजली का सिस्टम इम्प्रूव करिए, पानी का सिस्टम इम्प्रूव करिए, पोल्यूशन रिमूव करिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, गंदा साफ करिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं फेस करने को,
अब 20 जून की उनको फेस करिए ना, 20 जून की उनका मामले का भी है जी। सर क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है दिल्ली सरकार के, आप मुख्य सचिव रहे हैं, हालांकि राजनीतिक थोड़ा सा सवाल है मेरा ये कि जब से आम आदमी पार्टी आई है सत्ता में, तब से एलजी से जो मनमुटाव है या जो टकरार है वो ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी का कहना है कि इन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, हालांकि इससे पहले बीजेपी की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, विवाद होते रहे हैं, पर इस तरह से तकरार होती भी नहीं दिखी। तो क्या बदले की भावना से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देना चाह रही, या फिर आपको लगता है कि जैसे पहले की सरकारें थी तकरार थी पर इतनी ज्यादा नहीं थी? खासकर मैं शीला दीक्षित गवर्नमेंट की बात करूंगा। मैं इतने ज्यादा पॉलिटिकल कमेंट नहीं दे सकता हूँ कि आम आदमी सरकार कांग्रेस सरकार, हाँ मैं पर्सनैलिटी पे कुछ दे सकता हूँ। मैं शीला दीक्षित जी के साथ काम किया हूँ, शीला दीक्षित हुए, मतलब लाल खुराना हुए, ये लोग डिफरेंट पर्सन थे, ये कॉम्प्रोमाइज पे बिलीव करते थे, ये मानते थे कि उनको काम करना है, मगर ये भी मानते थे कि दूसरे लोगों की अनुमति लेके करना है और अपना नायदा बना के रखते थे। शीला दीक्षित ने भी देखिए वाजपेयी जी से नायदा बनाया, दिल्ली में सुचारू रूप से चल पड़ी, सारे काम हो गए और इतने सारे फ्लाईओवर बन गए, सारे फ्लाईओवर दिल्ली गवर्नमेंट ने थोड़ी बनाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश सहगल सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए।